दोस्तों, सांपों का नाम सुनते ही शरीर में एक सिरहंसी दौड़ पड़ती है। पूरी दुनिया में सांपों की हजारों प्रजातियां हैं, जिनमें 70 प्रजातियां तो अकेले भारत में ही हैं। वैसे सांपों का एक अलग ही संसार होता है, जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों ने बात की है। उनसे जुड़ी ऐसी कई बातें हैं जो इंसानों को पता ही नहीं, इसलिए इस बार हमने एक खास वीडियो सांपों पर ही डेडिकेट किया है। तो आइए आपको भी सांपों के संसार की सैर पर लिए चलते हैं। क्यों, चलेंगे ना, डरेंगे तो नहीं। ये वीडियो शुरू करने से पहले नए व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, अब तक आपने रेंगने वाले सांपों को ही देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी उड़ने वाले सांप भी देखे हैं? भारत, श्रीलंका, दक्षिणी चीन, फिलीपींस और दक्षिणी पूर्व एशिया समेत कई देशों में पैराडाइज ट्री स्नेक क्रिसोपेलिया पाराडिसी प्रजाति के उड़ने वाले सांप पाए जाते हैं, जो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर ऐसे छलांग लगाते हैं मानो उड़ रहे हों। इस प्रजाति को अंड्यूलेशन कहा जाता है। इनके उड़ने की रफ्तार इतनी तेज होती है कि उन्हें नॉर्मल आंखों से देख पाना बहुत ही मुश्किल है। वैसे इस रेत में छिपे सांप को भी आप नहीं देख पा रहे होंगे, लेकिन रुको, जरा सबर करो। ये डांसिंग स्नेक कैसे नाचते नाचते खुद को बालू से बाहर निकाल लेता है? सैंड बोआ प्रजाति का ये सांप बिहार समेत कई जगहों पर पाया जाता है। जितना जल्दी ये बाहर आता है, उससे भी दुगुनी रफ्तार से ये वापस छिप जाता है। कई तो इतने बेशकीमती होते हैं कि इनकी तस्करी भी की जाती है। और भाई लोगों, कुछ सांप तो इतने ज्यादा कुची पुची होते हैं कि उनसे डरने का जरा भी मन नहीं करता, लेकिन अक्सर खूबसूरत दिखने वाली चीजें खतरनाक होती है, इसलिए जरा बचकर। दुर्लभ प्रजाति का ब्लू पिट वाइपर इसी का उदाहरण है। इंडोनेशिया के सुंडा द्वीप में पाए जाने वाले ये सांप आक्रामक होने के साथ साथ जहरीले भी होते हैं, इसलिए इन सांपों को प्यार जताने के बारे में कभी मत सोचना। आइए अब आपको मिलाते हैं दुनिया के सबसे छोटे सांप से। वैज्ञानिकों ने कैरिबियाई द्वीप बारबाडोस में इस सांप की खोज की थी। बोआ कंस्ट्रिक्टर नाम के दुनिया के सबसे बड़े सांप के बारे में भी जान लीजिए, जो तकरीबन 15 फीट तक लंबे होते हैं। ये इतने खतरनाक होते हैं कि पहले तो अपने शिकार को बुरी तरह जकड़ लेते हैं, फिर उन्हें दांतों से काट काट कर दर्दनाक मौत देते हैं। कुछ सांप तो इतने ब्यूटीफुल होते हैं कि उन्हें गले में डालकर सेल्फी लेने का मन करेगा। रेड हेडेड कैरेट ब्यूटीनेस के मामले में नंबर 1 पर आता है। अब जो आप वीडियो देखने जा रहे हैं, वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। इस घर के बाहर सीढ़ियों के नीचे एक खतरनाक कोबरा सांप गुजर रहा है, और इस बात से अनजान ये महिला अपने बच्चे के साथ घर से बाहर निकल रही है। बच्चे ने जैसे ही गली में पहला कदम रखा, सांप उसके पैरों के नीचे आता आता बचा, जिसके बाद गुस्साया सांप फन फैलाकर डसने ही वाला था कि उस महिला ने अपने बच्चे को वापस खींच लिया, और इस तरह ये बच्चा सांप का शिकार होते होते बच गया। इस माँ की बहादुरी पर एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर हमारा टारगेट है कि हमें कम से कम 1000 लाइक्स तो जरूर मिले। अगर हम लोग मिलकर इस टारगेट को अचीव करते हैं, तो हम आपके लिए लेकर आएंगे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस। तो इस बात पर अभी ठोक दीजिए अपना लाइक। सांप जैसे आक्रामक और खतरनाक जानवर को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए, लेकिन कई बार कुछ सिर फिरे ऐसा करने की भूल कर बैठते हैं, जैसे कि यह लड़का कर रहा है। ये ना समझ 3-3 सांपों के सामने बैठकर वीडियो शूट करा रहा था, तभी एक सांप ने इसके घुटने पर ऐसा डसा कि सारी होशियारी काफूर हो गई। सांप से चुम्मी मिलने के बाद ये लड़का जरूर गा रहा होगा, जहर है कि प्यार है तेरा चुम्मा।
इसी तरह गढ़वा में इस नशेड़ी ने होशियारी में अजगर को गले में लपेट लिया, लेकिन जब अजगर अपनी पर आया तो नशेड़ी का सारा नशा उतर गया। अजगर ने ऐसा जकड़ा कि लोगों की लाख कोशिशों के बाद भी नहीं छोड़ा। ऊपर से उस बेवकूफ की हरकतें तो देखिए, पत्थर से क्या कांड करने वाला था ये। खैर, जैसे तैसे जान बची और लाख हो पाए। जरा देखिए तो कैसे ये सांप फन फैलाए इसे पकड़ने आए लड़के को गुस्से से देख रहा है। कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू टीम इस गुस्साए सांप को पकड़ने में कामयाब हो सकी। ये उत्तर प्रदेश के एक स्कूल बस का वीडियो है जिसमें एक विशालकाय अजगर का रेस्क्यू किया जा रहा है। ये अजगर बस के इंजन में फंस गया था। पूरे एक घंटे की मशक्कत के बाद रेस्क्यू टीम इसे निकाल पाई। वो तो गनीमत रही कि इस दिन स्कूल की छुट्टी थी और बस में बच्चे नहीं थे, नहीं तो किसी तरह का बड़ा हादसा हो सकता था। वैसे सांप का कितना खौफ होता है इस सेल्फी लेने वाले लड़के के खौफ से आप समझ सकते हैं, लेकिन कुछ लोग सांपों से बिल्कुल भी नहीं डरते। अब सांपों का रेस्क्यू करने वाले इस एक्सपर्ट को ही देख लीजिए, जो सांप को रेस्क्यू करके उसे अपनी मुट्ठी में दबोचकर ऐसे ले जा रहा है जैसे सांप ना होकर मामूली चीज हो। आपने छाती पर सांप लौटना वाली कहावत तो सुनी ही होगी, लेकिन असल में किसी की छाती पर सांप लौटने लगे तो क्या होगा? खाट पर लेटी ये आंटी इसी सवाल का जवाब दे रही है। इसकी पीठ पर एक सांप फन फैलाए बैठा है और ये आंटी मारे डर के मदद के लिए पुकार रही है। सोशल मीडिया पर इस लड़की के कान में सांप के घुसने का ये वीडियो खूब वायरल हुआ। इस वीडियो की सच्चाई क्या है नहीं मालूम, लेकिन अगर ये सच बात है तो वाकई ये घटना रोंगटे खड़े कर देने वाली है। अमेरिका में रहने वाली महिला विकी रोहल की तब सांसें थमी रह गई जब उन्होंने ड्राइव करते समय अपनी गाड़ी के शीशे के बाहर इस सांप को देखा। ये देखकर वो महिला इतनी घबरा गई मानो सांप ने उसे काट ही लिया है। खैर, उसने जैसे तैसे खुद को संभाला और गाड़ी रोकी, जिसके बाद ये सांप वहां से रफू चक्कर हो गया और विकी ने भी चैन की सांस ली। अब इस 12 फीट लंबे तगड़े अजगर को ही देख लीजिए। इस खतरनाक अजगर का जब इंसानों से एनकाउंटर हुआ तो चीख पुकार मचना लाजमी था। जब एक सांप को देखकर ही सबकी हालत खराब हो जाती है तो क्या हालत होगी जब सांपों का पूरा झुंडी दिख जाए। उत्तर प्रदेश अंबेडकर नगर में एक मकान मालिक ने मिट्टी के बर्तन में एक नहीं, दो नहीं बल्कि दर्जनों सांपों का एक झुंड देखा। एक साथ इतने सांप मिलने पर पूरे गांव में दहशत का माहौल बन गया। इस वीडियो से सांप के खौफ को समझ सकते हैं। वैसे सांप से डरना जरूरी भी है, क्योंकि कुछ सांप डसने के साथ साथ सीधा निगल लेते हैं। देखिए किस तरह से ये सांप किसी पक्षी के पूरे अंडे को ही निगल जाता है। पूरा अंडा निगलने के बाद इसका भयानक रूप देखकर किसी की भी कंपकंपी छूट जाए। अब जरा सांप के उगलने का वीडियो भी देख लीजिए। अब जो वीडियो आप देखने जा रहे हैं उसका अंत देखकर आप हक्के बक्के रह जाएंगे। डॉक्टरों की ये टीम सांप द्वारा निकले एक तौलिए को निकालने की कोशिश में जुटी है। देखिए इस सांप ने कितने बड़े तौलिए को निकल लिया था। अभी तक आपने सिर्फ मैन वर्सेस वाइल्ड में बेयर ग्रिल्स को ही जंगली जानवरों से खेलते देखा है, लेकिन इस जांबाज और निडर गुजराती अम्मा के सामने सैकड़ों बेयर ग्रिल्स पानी भरते नजर आएंगे। उसी तरह इस लुंगी वाले भाई की तो हिम्मत देखते ही बनती है। सांप पकड़ने के बाद जब इसे कुछ नहीं दिखा तो अपनी लुंगी में ही सांप को लपेट कर इसका रेस्क्यू कर देता है। इससे मोटिवेट होकर आप कहीं ऐसी भूल मत कर देना, नहीं तो। उसी तरह ये एक्सपर्ट सड़क किनारे सांपों के पूरे झुंड का ही रेस्क्यू करने में जुटा है। बारिश के मौसम में सांपों का सड़क पर आना आम बात है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। ऐसे में ये शख्स उन्हें वापस झाड़ियों में फेंक रहा है ताकि हाईवे पर आने जाने वाले वाहन उन्हें कुचल न दे।
आमतौर पर यह धारणा होती है कि सभी सांप जहरीले होते हैं और सभी सांप डसने के लिए हर दम तैयार होते हैं, लेकिन हकीकत इससे इतर है। हाँ, सांप आक्रामक जरूर होते हैं, लेकिन सभी सांप जहरीले नहीं होते, और सांप अटैक भी तभी करते हैं जब उन्हें खतरा महसूस होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको ये सांपों वाला वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।